हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे होइएगा। तो चलिए आज के वीडियो हम बात करेंगे कि आप देखते होइएगा यूट्यूब पे, जैसे आप मतलब यूट्यूब के जब किसी का जब वीडियो आप देखते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन जब ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिंक यहाँ पे दिखता होगा। देखिए देखिए जैसे मैं हमारे में यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो ये जो लिंक है सो किस प्रकार से मतलब इंस्टाग्राम से कॉपी करना है प्रोफाइल लिंक को आज के वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम जैसे ओपन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे प्रोफाइल लिंक के यहाँ से कोई नहीं मतलब कुछ यहाँ से ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो किस प्रकार से यहाँ से हमको कॉपी करना है वो हम प्रोफाइल लिंक को आज हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप दो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, या तो आपका जो यूजर नेम है इसको आप टाइप करके बना सकते हैं खुद से, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जाइएगा। देखिए एडिट प्रोफाइल में, एडिट प्रोफाइल में जैसे जाइएगा देखिए यहाँ पे यूजर नेम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस यूजर नेम पर सिंपली क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करके और इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। इसको जैसे यहाँ से कॉपी कीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं आपको क्या टाइप करना है। सो दिखा देते हैं, देखिए यहाँ से आप जाइएगा सिंपली व्हाट्सएप में, मान लिया आपको डायरेक्ट किसी को इंस्टाग्राम का आपको है सो लिंक सेंड करना है तो किस प्रकार से आप सेंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से जाइएगा उसके बाद मतलब वहाँ से जब लिंक आप सेंड कीजिएगा ना तो लिंक पे क्लिक कीजिएगा डायरेक्टली आप पे हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें आप चले आइएगा। डायरेक्ट यहाँ से जाइएगा उसके बाद यहाँ से आप सिंपली इस प्रकार से HT एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे HTTPS उसके बाद इसको स्लैश बोला जाता है, स्लैश दीजिएगा, सॉरी स्लैश से पहले यहाँ पे एक डबल बुंदा टाइप का एक जो है इसको देना है, उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे स्लैश देना है तो यहाँ से डबल स्लैश दीजिएगा। डबल स्लैश देने के बाद आप यहाँ पे देखें Instagram.com लिख दीजिएगा, Instagram.com फिर स्लैश दीजिएगा, उसके बाद जो कॉपी किए थे सो अपना यूजर नेम यहाँ से फिल कीजिएगा। उसके बाद देखिए तो जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको ऊपर से प्रोफाइल इस प्रकार से दिखाई दे देगा, उसका दिया जैसे इस पर सेंड कीजिएगा, जैसे हम सेंड कर दिए इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हम क्लिक किए देखिए यहाँ पे हम बैक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए हम पूरा टोटली बैक चल जाते हैं, देखिए हम पूरा बैक चला है। उसके बाद यहाँ से लिंक हम जैसे सेंड करेंगे, जैसे आप किसी अपने दोस्त को सेंड करेंगे उस जैसे क्लिक करेगा डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर चला जाएगा। अगर आप इसी प्रकार से अगर आप फेसबुक पर करना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ से इसको कॉपी कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से इंस्टाग्राम के हटाकर और यहाँ से आप अपना फेसबुक कर लीजिएगा। अगर फेसबुक अगर यही आपका यूजर नेम से जैसे रियल रोशन के 14 के नाम से अगर मेरा मेरा फेसबुक है इंस्टाग्राम है, अगर दोनों का अगर यूजर आईडी आपका सेम है तो आप इस प्रकार से फेसबुक कर सकते हैं, नहीं तो अगर फेसबुक का अगर कुछ और है तो लास्ट में जो आपका यूजर नेम है वो चेंज करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा अगर दोनों है जो सेम होना चाहिए, देखिए जैसे मेरा इस प्रकार से सेम है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे ऊपर से फेसबुक का यहाँ से DP आ चुका है। तो बस आज के वीडियो छोटी सी यही जानकारी थी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।